चार पाँच साल से मैं हाई ब्लड प्रेशर मेरे को है, तो डॉक्टर साहब ने तो मेरे को साफ इनकार कर दिया था कि यहाँ तक कि 12,000 फीट हाइट तक उस तक जाने के लिए भी उन्होंने जो मेरे को जो है एकदम मना कर दिया कि आप वहाँ पर भी मत जाइए। '86 में मेरा क्योंकि बहुत ही क्लोज फ्रेंड वो माउंट अबू टेक्निकल रॉक क्लाइंबिंग कोर्स के लिए वो जा रहा था, तो दीदी ने बोला कि भाई राजू तुम भी चले जाओ, क्योंकि इतने लड़के लोग 15-20 लड़कियाँ लोग जा रहे थे। मैं फिर उनके साथ में, क्योंकि मेरे को एक चाह भी था बचपन में, किताबों में पढ़ा भी था माउंट आबू के बारे में, एक हिल स्टेशन है, तो वही एक चाह मेरे अंदर में थी, तो मैं वहाँ पर चला गया। पहले दिमाग में ये होता था कि जस्ट जाना है एंड उस रॉक के ऊपर में जो उसको जो है क्लाइंब करके निकल जाना है, लेकिन वहाँ जाकर जब वो क्लासेस मैंने अटेंड किया एंड उस क्लासेस के थ्रू मेरे को पता चला ये इसका एक बहुत ही एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ में इसको जो है क्लाइंब किया जा सकता है और क्लाइंब करना चाहिए। जैसे 87 में मेरा पहला एक्सपीडिशन था माउंट श्री कैलाश, जो कि 22,744 फीट हाइट में है, वो मैंने क्लाइंब किया। जो कोई भी माउंटेनियरिंग कोर्स करता है तो हर एक का जो है ड्रीम, उसका एक सपना होता है कि मैं वर्ल्ड का एक हाईएस्ट पीक में क्लाइंब कर लूं। फाइनली फिर 2001 में एक मिलेनियम इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन, मिस्टर संतोष यादव जो कि वर्ल्ड की पहली महिला है जो दो बार एवरेस्ट क्लाइंब किया, उनके लीडरशिप में मेरे को एक मौका मिला। तो हम लोगों ने चाइना साइड से इसको स्टार्ट किया, ईस्ट रिज जो कि अब तक अभी तक वैसे अनक्लाइंब उसको बोला जाता है। तो 16 डेज हम लोगों ने काम किया, करीब 20,000 फीट हाइट तक पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद पता चला कि आगे कोई रूट है ही नहीं। अगेन फिर हम लोग वहाँ से वापस लौटे, ट्रांजिट कैंप में आए, फिर बेस कैंप पहुँचे, कुछ दिन बेस कैंप में हम लोगों ने रेस्ट लिया एंड फिर अगेन फिर दूसरे रूट से हम लोगों ने स्टार्ट किया एंड फाइनली 23,200 फीट के आसपास हम लोग पहुँचे थे। एंड फिर लीडर से मैसेज आ गया कि भाई आप लोग, क्योंकि टाइम हमारे पास में है नहीं और आप लोग जो वाइंड अप करके वापस आ जाओ। तो मेरे को सन 2012 में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के ही स्पॉन्सरशिप में मेरे साथ में एक विनीता सोरेन, वो बाद में जो पहली आदिवासी महिला हुई जो एवरेस्ट क्लाइंब किया, और एक मेघलाल महतो, हम तीनों जने टाटा से निकले। हम लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली के बाद हम लोग काठमांडू गए, काठमांडू से फिर हमारा एक्चुअली में जितने भी माउंटेनियर लोग जो एवरेस्ट के लिए जो जाते हैं वो सारे के सारे वहाँ से जो फ्लाइट से काठमांडू टू लुकला। एरोप्लेन में जाने का थोड़ा सा फेयर मतलब सफोकेशन इस तरह के मैं फील करता था, इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ट्रैक करेंगे। तो दीदी बचेंद्री पाल वो भी हमारे साथ में थी और उनकी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी उनके साथ में थी, तो हम लोग सीधे काठमांडू से जिरी गए। जिरी से हम लोग लुकला, जो कि फ्लाइट से अगर आप जाते हैं तो केवल 20 मिनट्स का वो फ्लाइट है, और हम लोगों ने 7 डेज में उसको जो है कम्प्लीट किया ट्रैक करके। जिरी से एक एक दिन आगे बढ़ते गए, फाइनली हम लोग जिरी लुकला पहुँचे। लुकला से फिर हम लोग नामचे बाजार से फिर त्यांग बोचे में फिर दीदी लोग हमको वहीं पे जो है वहाँ तक उन्होंने सी ऑफ कर दिया एंड वो लोग वहाँ से वापस आ गए थे। कल सुबह 7:30 बजे हम लोग दिंगबोचे से चले, इस रूट से होते हुए एंड करीब 9:30 के अराउंड हम लोग छुकुंग पहुँचे। छुकुंग पहुँचने के बाद करीब 10:15 बजे हम लोग हाइट गेन के लिए आइलैंड पीक के बेस कैंप की तरफ हम लोग निकले थे एंड उसके बाद लंच करने के बाद ठीक 2 बजे हम लोग अगेन फिर हाइट गेन करने के लिए इस हाइट तक लोबोचे वाले रूट यहाँ तक हम लोग गए थे। इसके पीछे में नुप्से वॉल नज़र आ रहा है, यह नुप्से वॉल
नुप्से वॉल के बाद ये जो हाईएस्ट दिख रहा है यह लोत्से फेस, लोत्से से ये डाउन, ये पूरा लोत्से ग्लेशियर एंड ये हमारा आइलैंड पीक। आज हम लोग बेस कैंप के लिए ठीक सुबह के 7:45 निकले हैं। ये हमारा आइलैंड पीक है, आज हम लोग बेस कैंप जा रहे हैं। एक्चुअली इसी माउंटेन के पीछे मकालू पीक है, अभी दिख नहीं रहा है, और ये पूरा अमाडोबलम ग्लेशियर और ये अमाडोबलम पीक। दिमाग में ये था कि भाई पता नहीं वेदर कंडीशन कैसा होएगा और हमें क्या कुछ हम लोग कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब एक असमंजस की स्थिति जो है ऑलवेज बना रहता था, पता नहीं आगे क्या होगा क्या होगा, बट ये था कि हाँ करते जाओ। और एक मेरा एक साथी था लवराज धर्मशक्तु, वो मेरे ख्याल से वो पहला इंडियन है जो कि कितना फाइव टाइम्स वो जो एवरेस्ट क्लाइम कर चुका, उस समय उसका उनका वो मेरे ख्याल से फोर्थ था उसमें जाने का, तो वो मेरे साथ में थे। तो मेरे को काफ़ी चलते समय जो है सफोकेशन, खांसी वांसी सांस फूलना, ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने एक बार पूछा भी, यार मेरे को अगर यहाँ से अगर लौटना पड़ेगा तो क्या लौट सकता हूँ? तो उसने मेरे को कहा था कि अरे भाई साहब आप ऐसा क्यों सोचते हो, तो अभी तो आप देखो सबसे आगे आगे अभी आप जा रहे हैं, और इन केस अगर आपको वापस जाना भी है तो हर एक मेंबर के साथ में शेरपा हैं, आप कहीं से भी कभी भी जो है पीछे जो है लौट सकते हो। तो फिर मेरे को भी लगा यार वास्तव में मैं तो अभी इतना आगे आगे गया हूँ, आगे आगे जा रहा हूँ, और मेरे पीछे मेरे जो अपने जो टीम मेंबर थे वो काफ़ी पीछे पीछे वो लोग जो चल रहे थे, तो मैं उसको जो है चलता गया। फिर हम लोगों ने जो 22nd हम लोगों ने अटैम्प्ट किया, डायरेक्ट जो बेस कैंप से कैंप टू पहुँचे, कैंप टू 23rd को फिर हम लोग जो है वहीं पर रेस्ट लिया था, 24th को हम लोग कैंप 3 गए। एंड 25th अर्ली मॉर्निंग 5:30 में हम लोग कैंप 3 से कैंप 4 जो कि साउथ कोल हम लोग चले, करीब मेरे ख्याल से 10:30 के अराउंड सुबह हम लोग जो वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो दिन भर वहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट लिया, फ्रेश हुए, खाना पीना खाए, हमारी टीम जो है ठीक 8 बजे हम लोग वहाँ से निकले। एंड स्पीड क्योंकि बहुत अच्छा था हमारा, रात में ही हम लोग जो है ये हिलेरी स्टेप से ऊपर एक जगह में हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर वहाँ पे काफ़ी देर तक, करीब लगभग मैं समझता हूँ 1 घंटा हम लोग वहाँ पे जो है रुके रहे लगराज मैं हम लोग, एंड वैसे ही वार्म अप करते रहे क्योंकि ठंडा था। एक तो रात के टाइम में पहुँचे, एंड रात के टाइम में पहुँचने से एक ये पता कि भाई फ़ोटो वोटो हमारी जो ठीक ढंग से जो फ़ोटो जो है खींच नहीं पाएंगे हम लोग, बैकग्राउंड में कुछ आएगा नहीं, एवरेस्ट टॉप का भी कुछ पता चलेगा नहीं, इसमें हम लोग रुकते रहे। फिर ठीक सुबह जैसे ही रोशनी पहली रोशनी मतलब उधर में पड़ी, थोड़ा सा उजाला हुआ, फिर मैं लवराज से बोला यार मैंने कहा भाई अब देखो अब हाथ पैर भी थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो रहा है, तो अब हम लोग चले चलते। और मेरे ख्याल से 4:20 या 25 मिनट पर हम लोग जो है टॉप में थे सुबह। तो जब वहाँ पर टॉप में पहुँचे तो पता चला कि भाई यही टॉप है, ये तो कोई खुशी का जो कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जो ड्रीम जो सपना हम लोगों ने संजो रखा था वो मेरा वहाँ पे जो फुलफिल हुआ। तो बस ये था कि चलो मेरा जो मिशन था, जो मेरा जो एक सपना जो मैंने देखा था वो मेरा यहाँ पे जो है कम्प्लीट हो गया, बहुत खुशी वहाँ पे हुई। मतलब मैं समझता हूँ मेरा जो मेन जो एक जो अपॉर्चुनिटी बोले या मेरा जो इंस्पिरेशन अगर मैं बोले तो वो दीदी बच्चन जी पालनी थी,